पीरो थाना क्षेत्र के जितौरा गांव के धोबी घटवा के समीप अनियंत्रित होकर इमरान बस पलट गई। इसमें बस में सवार लगभग आधा दर्जन यात्री जख्मी हो गए, वहीं बस कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। मिली जानकारी के अनुसार मृतक पीरो थाना क्षेत्र के पीरो वार्ड नंबर 16 का निवासी स्वर्गीय नूर अली खां का 45 वर्ष पुत्र महमूद आलम उर्फ भोला है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि इमरान बस पीरो से बिहिया चौरास्ता के लिए चलती है। आज सुबह जब इमरान बस पीरो से बिहिया चौरास्ता जा रही थी, उसी दरमियान पीरो के जितौरा गांव के समीप धोबी घटवा के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बस पर सवार यात्रियों में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, वहीं बस कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक अपने दो भाइयों में सबसे बड़ा था। मृतक की शादी हो चुकी है और उसे एक पुत्री भी है। इस घटना के बाद मृतक की पत्नी नाज परवीन, बेटी खुद नशीबा तथा परिवार के सभी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। कितने लोग घायल है उसमें? और तीन घायल है। हम थाना पर ड्यूटी में लाश आई लिया, तो वहाँ से आप लाश लेके पोस्टमार्टम। हाँ, कहाँ, कौन थाना से आप आए हैं? थाना पीरो। क्या नाम आपका? रास बिहारी सिंह। क्या है चौकीदार? जा रही थी बस जगदीशपुर, बीच में अटेंडर पर पलटी मार दी। कहाँ पर पलटी मार दी? जितौरा से आगे धोबी घटवा में। इनकी मौके पर ही मौत हो गई। घायल भी हैं लोग? कुछ लोग घायल हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहबुद्दीन। क्या लगते हैं आप उनके? चचेरा भाई हूँ। कहाँ घर हुआ? पीरो वार्ड। कहाँ पर ये बस पलटा? पीरो से बिहिया क्रम में जाने में केवी टोला के पास धोबी घटवा पड़ता है, वही समीप केजीएन बस इमरान बस एक्सीडेंट कर गई। कितने लोग घायल हुए उसमें? घायल दो तीन आदमी हो। एगो मेरा चचेरा भाई था मोहम्मद आलम भोला खां, स्पॉट पर उनका मृत्यु हो गया। गाड़ी कैसे कुछ पता चला आपको? गाड़ी होनी के लिए क्या कह सकते हैं, होनी के लिए कोई थोड़ा करे। कितने आदमी इसमें घायल हैं? दो तीन आदमी घायल थे, स्पॉट डेट इनका मृत्यु हुआ। क्या नाम है जो इनका मृत्यु? महमूद आलम भोला खां। नाम नूर अली खां। आपका क्या नाम? मैं उनका भाई बोल रहा हूँ, पीरो नगर पंचायत के पर्सन।